वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस बार आप सभी के लिए टोटल 2399 पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कक्षा 10वीं पास है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। आप सभी को इस नोटिफिकेशन के अंदर दो तरह की पोस्ट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जहां पे पहली नंबर पोस्ट का नाम है फॉरेस्टर, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए होगा, और सेकेंड नंबर जो पोस्ट है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की है, जिसके लिए केवल और केवल कक्षा 10वीं पास चाहिए होगा। और आपको बता दें कि 2399 में से 2300 पोस्टें केवल और केवल फॉरेस्ट गार्ड के लिए हैं, यानी कि केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष के लिए। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2022 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे हम लोग नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को ऑनलाइन कैसे करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के आवेदन करके जॉब पा सकें। तो दोस्तों, पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह कि आपको जो टोटल नंबर वैकेंसीज मिलेंगी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। टोटल यहाँ पे 2399 पोस्ट वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। दो तरह की टोटल यहाँ पे वैकेंसीज मिलेंगी, एक तो हो जाएंगी फॉरेस्टर की, जिसके लिए आपको टोटल 99 पोस्टें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन योग्यता है वो 12वीं पास रखा गया है। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर की वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की है, और यहाँ पर आपको टोटल 2300 पोस्ट वैकेंसी मिलेंगी, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास रखा गया है। इन वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस और वेतन के बारे में जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो भी डिटेल है वो आपको नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट में जाने पर दिख जाएगी। तो नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करके ओपन करते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे डेट चेकआउट कर पाएंगे 11/3/2022 यानी कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा 11 मार्च का नोटिफिकेशन। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं वन पाल एवं वन रक्षक की सीधी भर्ती है और ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे आप लोग इसको भी चेकआउट कर पाएंगे कि वन विभाग द्वारा वन पाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पद कर दिए गए हैं। इस हिसाब से यहाँ पे देखे 2300 जो है तो गार्ड की पोस्टें हैं और जो 99 हैं वो यहाँ पे आपको नई पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको जो है तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे देखिए वन पाल हैं और वन पाल के लिए अनुसूचित क्षेत्र हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र भी हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी अच्छे से चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने पर आप लोग यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है तो मेन नोटिफिकेशन के अंदर आपको बता दें कि संशोधित करके जारी किया गया है। इसके अंदर आपको आवेदन करने की डेट भी बताई गई है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन जो आवेदन है आप लोग 14 मार्च से कर पाएंगे, और इसकी जो आखिरी डेट है वो 29 मार्च की रखी गई है, यानी कि आपके पास
आवेदन करने के लिए काफ़ी टाइम है, मैंने एडवांस में आपको जानकारी यहाँ पे दे दी है। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे तो कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में जानकारी है, प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी है, और इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर कोई ऑनलाइन आवेदन करते समय आपसे गलती हो जाती है तो उसको सुधार के लिए 300 रुपये लगेंगे और 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो इसके अंदर अगर आप लोग सुधार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट या कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी ध्यान से आप लोग अप्लाई करिएगा, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी आपको आगे मिलेगी, उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन विभाग की तरफ से आ चुकी भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे दिखा दिया है। इस बार आपको टोटल 2399 नंबर वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेंगी और इनके लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपको टोटल यहाँ पे दो तरह की पोस्ट वैकेंसी मिलने वाली है। नंबर एक यहाँ पे आपको फॉरेस्टर की वैकेंसी मिलेंगी और सेकंड नंबर यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। इनके लिए आवेदन करने का जो आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10वीं पास है जहाँ पे आपको 2300 वैकेंसी मिलेंगी और यहाँ पे फॉरेस्टर के लिए 12वीं पास है जहाँ पे टोटल आपको 99 पोस्ट वैकेंसी मिलेंगी। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इस बीच आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देखी है और आपको वीडियो आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए, आपको आवेदन ऑनलाइन तरीके से फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के लिए काम करके कुछ पैसे घर बैठे कमाना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं तो आप लोग workfromhomejobs.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट मिलेंगी जिनको आप लोग करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल है जहाँ पे आपको 2399 पोस्टें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको दो तरह की पोस्टें मिलेंगी, पहली तो फॉरेस्टर की जहाँ पे आपको 99 वैकेंसी मिलेंगी, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की जहाँ पे आपको 2300 वैकेंसी मिलेंगी। यहीं पे हम बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो 14 मार्च 2022 से लेकर 29 मार्च 2022 तक आप सभी लोग आवेदन फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपकी एज है जो कि यहाँ पे कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दिया जाएगा। अप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी आपको आगे rozgargyan.com की वेबसाइट से मिलेगी। यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे आपको वैकेंसी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही होने वाला है। इसके बाद कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आप लोग लगभग भारत के सभी राज्यों से ऑनलाइन तरीके से आवेदन फिल कर सकते हैं। बस उसकी अप्लीकेशन फीस थोड़ी अलग होगी, वेतन के बारे में जानकारी अभी प्रोवाइड कराई नहीं गई। एजुकेशन की बात करें तो दो तरह की पोस्ट हैं, 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे दोनों तरह की पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। आवेदन आपको 29 मार्च 2022 तक कैसे भी करके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर मस्ट होंगे। देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, इंटरव्यू होना है, मेडिकल एग्जाम होना है, डॉक्यूमेंट एंड
कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी आपका होना है, यानी कि यहाँ पे आपके कई सारे प्रोसेस होंगे। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको workfromhomejobs.com की वेबसाइट मिलेगी। आप लोग यहाँ से जिस भी वर्क को करना चाहे आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इस जॉब के लिए आपको यहाँ पे 3 लिंक्स मिलेंगे। आपको एक बार चले जाना है rozgargyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इस वैकेंसी की पूरी अपडेट डिटेल में देखने को मिल जाएगी। अपडेट को चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 लिंक्स मिलेंगे। नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लिक करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बटन पे। डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करके आप लोग अपने नोटिफिकेशन को किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके आपको दिखा दिया है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के साथ यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक करके पहले खुद को रजिस्टर्ड यहाँ पे कराना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट करें, ताकि आपको आवेदन करने की वीडियो जितना जल्दी हो सके देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।